नोट्स बनाए हुए हैं जिस जिसने, सब ने मैसेज करो तक। प्रियंका जी का मैसेज आया और सब। कंप्लीट नहीं है, ठीक है। रेनू जी जल्दी से मैसेज करिए, देखिए टाइम को भी ध्यान रखना है हमें, बहुत रफ है। अच्छा आपको समझ आएंगे ना युजीर योगी, आपका नाम। हाँ फिर ठीक है, पारिका जी कल की क्लास का रहता है। अच्छा ठीक है, देखिए आपको समझ में आने चाहिए नोट्स। नोट्स का मतलब बस ये है कि आपको खुद को समझ आने चाहिए, जब आप रिवीजन करने बैठो तो आप उसको फटाफट रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, ओके थोड़ी सी हम क्विज कर लेते हैं। अच्छा डेनोटेशन का मतलब मुझे बताओ, डेनोटेशन हमने पढ़ा था। डेनोटेशन का मतलब मुझे बताइए, देखते हैं आप लोग कितना याद रखते हो। मैसेज कर दीजिए डेनोटेशन का मतलब, जितना शॉर्ट में आप लोग कर सको उतना करना है। जल्दी से मैसेज करिए, डिक्शनरी डेफिनेशन। ओके और कोई, आप लोग मुझे सुन नहीं पा रहे हो क्या? सब लोग मैसेज करो। डिक्शनरी डेफिनेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या दिया था हमने? हाँ जो हम कुछ, हाँ स्नेक, स्नेक को हमने जो डिफाइन किया था पूरा, ठीक है। उसके बाद था कोनोटेशन। कोनोटेशन का मतलब क्या होता है? कोनोटेशन कोनोटेशन मीनिंग अर्थ। अर्थ, कोनोटेशन का मतलब होता है अर्थ। देखिए आप लोगों में से कितने कम लोग अब तक मैसेज कर रहे हैं, तीन चार लोगों के बस मैसेज आ रहे हैं। अर्थ होता है मतलब उस चीज का मीनिंग, ठीक है। जैसे हम किसी चीज को, जैसे स्नेक को हम डेंजर से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्माइली, ये था स्माइली या उपमा जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? उपमा जो वर्ड यूज हो। हाँ कोई बताओ, बोल के बताओ मुझे, कोई एग्जाम्पल दो इसका। हाँ कंपैरिजन, ठीक है मैम, जैसे कि बोला जाए कि आप एकदम ऐश्वर्य राय जैसे लग रहे हो। हाँ ठीक है, मिलान करना मुख चांद के जैसा। हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मेटाफोर, मेटाफोर और इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? यूज लाइक एज लाइक, स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली बोला जाता है कि आप एकदम वैसे ही लग रहे हो जिस चीज से कंपेयर किया। हाँ इसमें 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 लाइक का यूज नहीं किया जाता है ना, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिलेशनशिप के बेस पे कितनी हमारी टाइप है, टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशनशिप कितने टाइप है। वर्ड्स में लिखिए 3-4 ऐसे, ठीक है। 3 या 4 कोई, हाँ कोई ग्रुप कम्युनिकेशन को अलग भी कर सकते हैं और इंटरपर्सनल में भी रख सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप के बेस पे टाइप कितने हैं कम्युनिकेशन के? इंटर इंट्रा इंटर ग्रुप और मीडियम।
ठीक है, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, ये किसके किसके भाग थे, किसके सब ग्रुप थे ये? वर्बल। ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था पर्पस के बेस पे कम्युनिकेशन, कितने टाइप का था? दो। फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हम चलते हैं, ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ 7 C जो है वो आपको याद करके आने थे, आपने याद किए, उनको लिख दीजिए जल्दी से, जल्दी से टाइप करिए सब। पूरा पूरा मैसेज करना, 7 C लिख के। अभी तक एक भी मैसेज नहीं आया है, आप लोग कर रहे हो मैसेज? हेलो। प्रियंका जी, ओह वेरी गुड। साक्षी जी, 5 हो गए, 2 बचे हैं आपके। पारिका जी, क्लियर कंसाइज कंक्रीट करेक्ट कोहेरेंट कंप्लीट कॉर्टेस, ओके, ठीक है, वेरी गुड। नेहा जी, संध्या जी, और सब भी मैसेज करो। आप यहाँ पे 23 लोग हैं और बहुत कम मैसेज आ रहे हैं। चलिए ठीक है। और 4S जो मैंने बोल के आपको बताया था कि आप लोग नोट कर लीजिए, वो बताइए। 4S। राधिका जी, रूपाली जी का मैसेज आया है, शॉर्टनेस, शॉर्टनेस, स्ट्रेंथ, सिंसेरिटी और स्ट्रेंथ, सिंप्लिसिटी। हाँ ओके जी, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अभी हम इनको पढ़ लेते हैं। हाँ जी, तो हमने कल यहीं पे छोड़ा था 7 C ऑफ कम्युनिकेशन एंड 4 S ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले है कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, कंसिडरेशन, क्लैरिटी, कंक्रीटनेस, कोर्टेसी और कर्टेसी, करेक्टनेस, ठीक है, ये 7 C's हैं। उसके बाद है 4 S ऑफ कम्युनिकेशन, शॉर्टनेस, स्ट्रेंथ, सिंप्लिसिटी और सिंसियरिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं, ओके। तो सबसे पहले है कंप्लीटनेस, पूर्णता। क्या संदेश में वह सूचना है जिसकी आवश्यकता है? तो संदेश में वह सभी आवश्यक सभी तथ्य और सूचना शामिल हो जिसकी आवश्यकता संदेश प्राप्तकर्ता को हो। मतलब हमारा जो पूरा मैसेज है वो कैसा होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। जैसे हमने कई बार बात की है इस पे, आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस कोई आंसर करो। यस मैम, यस हाँ जी, यस मैम, तो ओके। तो कंप्लीटनेस क्या है कि हमारा एक जो सेंटेंस होना चाहिए, जो भी हम बोलना चाह रहे हैं वो पूरा कंप्लीट हो, ठीक है। उसमें कुछ हम ऐसे वर्ड्स ना बोले कि वो इनकम्प्लीट रहे। जैसे मुझे आपको सूचना देनी है, जैसे मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था,
कि आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, तो मैं पूरा ही बोलू, अगर मैं ऐसा बोल के छोड़ दिया कि आज मैं क्लास नहीं, है ना, अब आप इसको क्या समझोगे? आप समझ नहीं पाओगे, वो वर्ड पूरा नहीं हुआ, पूरा सेंटेंस नहीं हुआ। तो ये होता है कंप्लीटनेस, मतलब हमारा जो मैसेज है वो पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कंसाइसनेस, संक्षिप्तता, मतलब संदेश में आवश्यक बातें ही हो, भराव शब्दों का प्रयोग ना करें। जो हमारा मैसेज होना चाहिए वो बहुत कंसाइज होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। एक छोटे से मैसेज में ही हम पूरा पूरी बात को अपनी बोल दे, ऐसा ऐसा हमारा मैसेज होना चाहिए। संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत ज्यादा भारी भरकम वर्ड्स हम यूज ना करें, बहुत ज्यादा वर्ड्स हम यूज ना करें। जैसे कंसाइसनेस को हम समझ सकते हैं, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं, ऊपर जो सब्जेक्ट लिखते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि छुट्टी के लिए एप्लीकेशन, है ना। तो उससे मतलब वो संक्षिप्त तो होता है, अब समझ आ जाता है ये छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। उसके बाद है कंसिडरेशन या विचार, संदेश प्राप्तकर्ता या दर्शकों के स्तर का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो मतलब जो रिसीवर है उनके स्तर का, उनके लेवल का ध्यान रखते हुए हमें अपना मैसेज उनको सेंड करना चाहिए। जैसे बहुत बार बात हो चुकी है हमारे इस पे कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको मैं किसी और तरीके से समझाऊंगी, आप लोगों को मैं किसी और तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसमें हम दे सकते हैं कि किसी को, हमें छोटे बच्चे को हमें प्लस कराना है कुछ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे कराना है 14 + 16 बताओ, है ना। अब आप तो मुझे सीधा आंसर कर दोगे इसका, 14 + 16 आंसर कर दोगे आप लोग, लेकिन छोटे बच्चे क्या करेंगे, उसको लिखेंगे 14 + 16 फिर वो 4 + 6 ऐसा करके, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, मतलब हमें उनको इसी तरीके से देना है, हम उनको लिख के देंगे कि ये सोल्व करो, है ना। और हम मैं जैसे आपको ऐसे बोल दूंगी सीधा कि 14 + 16 आंसर दो करके बताओ मुझे, ठीक है। तो ये होता है कि हमें एक उनके लेवल का ध्यान रखना चाहिए कि उनको संदेश प्राप्त करता, मतलब जो रिसीवर है, उनकी एज, उनकी शिक्षा का स्तर, उनकी मानसिकता, इन सब बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए हम अपने मैसेज को देना चाहिए, फॉरवर्ड करना चाहिए आगे, ठीक है। उसके बाद है क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या है, संदेश या संवाद का उद्देश्य स्पष्ट हो। तो जो हमारा, जो भी मैं आपको संदेश देना चाहती हूँ उसका उद्देश्य, जो मतलब उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो एकदम क्लियर हो, कि मैं आप लोगों को जो बताना चाह रही हूँ आप वही समझे, है ना। जो क्या, जैसे हम, जैसे मैंने अभी एप्लीकेशन वाला एग्जाम्पल दिया, तो उसको हम इसमें भी रख सकते हैं कि एक क्लियरिटी उन्होंने दे दी कि हमें ये छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्लैरिटी मिल गई रिसीवर को, तो वो होना चाहिए। उसके बाद है कंक्रीटनेस, मतलब स्थूलता, बातों को अप्रत्यक्ष रूप घुमा फिराकर ना रखें, अपने संदेश का समर्थन के लिए आंकड़ों और तथ्यों का प्रयोग करें। तो कंक्रीटनेस क्या है, स्थूलता, कि हमें, मुझे आपको, आपके सामने कोई बात रखनी है तो मैं उसको घुमाऊं फिराऊ ना, है ना, मैं एकदम एक आंकड़ों के साथ। जैसे कि मुझे कोई स्पीच देनी है, तो स्पीच देने के टाइम पे हमारे पास एक पूरा डेटा होना चाहिए। जैसे मुझे कैंसर पे एक स्पीच देनी है कि क्या उसका अभी कितना चल रहा है, कितना उसकी पॉसिबिलिटी है, जो भी सब मुझे बताना है, या इंडिया में वो कितना उसका जो रेशियो है वो कितना है, मेल्स में कितना है, फीमेल्स में कितना है। तो अगर मैं ये सारी बात को अब मैं स्पीच देने जाऊंगी, तो अगर मैं पूरा उसको डिटेल में मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं घुमा फिरा रही हूँ उसको, बस कैंसर ये होता है, कैंसर से ऐसा होता है, वैसा होता है, ठीक है। ये सबको पता है, हमने थोड़े से में बताया तब भी उनको समझ आएगा, और मैं बार बार उसी बात को बता रही हूँ तब भी उनको वही समझ आएगा। लेकिन अभी क्या जरूरत है, हमें आंकड़ों की जरूरत है, उसका जो डेटा है वो हमें चाहिए कि क्या जो कैंसर है वो कितना
उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है, इंडिया में उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने मेल्स में वो ज्यादा होता है, फीमेल्स में वो ज्यादा होता है. तो ये जो सारी चीजें हैं जो हम ऐसे आंकड़ों को समर्थन करते हुए किसी चीज को बताते हैं, जितना ज्यादा स्थूल होगी चीज है ना, जितने सॉलिड होंगे हमारे तथ्य, तो वही हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगा. ठीक है, तो कंक्रीटनेस होनी चाहिए हमारी कम्युनिकेशन में. उसके बाद है कर्टेसी, मतलब शिष्टाचार. तो संदेश ऐसा होना चाहिए जो संदेश की अभिव्यक्ति के साथ संदेश प्राप्तकर्ता का सम्मान भी करे. ठीक है, मतलब जैसे मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ, तो मैं एक जो हमारे जो कुछ मॉरल्स है कि हमें कैसे बड़ों से बात करनी है, कैसे छोटों से बात करनी है, या मैं अभी आप स्टूडेंट से बात कर रही हूँ या फिर आप टीचर से बात कर रहे हो, तो उसका एक वो होना चाहिए, एक वे होना चाहिए हर एक चीज का, कि हम किससे अभी बात कर रहे हो उस तरीके से हमारा जो बोलने का तरीका है वो होना चाहिए. तो शिष्टाचार हमारी बातों में होना चाहिए, ऐसा इसमें बोला जा रहा है. ठीक है, तो कर्टेसी ये होता है. संदेश भाव को छलकाने वाला हो, मतलब मेरे जो मैं जो बोलना चाह रही हूँ, मेरे जो भाव है वो मैं उसमें दिखा सकूं, उसमें मैं बता सकूं. संप्रेषक को विनम्र, चिंतनशील, विवेकपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और उत्साही होना चाहिए. ठीक है, तो जो सेंडर है उनको विनम्र, चिंतनशील, विवेकपूर्ण, मतलब हम जो मैसेज कर रहे हैं उसको एक पूरा उस तरीके से हमें करना चाहिए. जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं मोदी जी का. ठीक है, मोदी जी कैसे बोलते हैं जब स्टार्ट वो करते हैं, तो कैसे बोलते हैं, मेरे प्यारे बहन भाइयों, है ना, ऐसे वो बोलते हैं. मतलब वो सबका ध्यान रखते हैं कि आपको कैसे किसी को आपका मैसेज पहुंचाना है, कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हो. ठीक है, तो ये होता है शिष्टाचार. उसके बाद आता है करेक्टनेस. करेक्टनेस मतलब दोष रहित. तो जो संदेश में व्याकरण की त्रुटि नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो जो हमारा मैसेज होना होता है वो एक करेक्ट होना चाहिए, त्रुटि रहित होना चाहिए, और भाषा के सही स्तर का प्रयोग करना चाहिए, सही तथ्यों एवं आंकड़ों का प्रयोग होना चाहिए. तो करेक्टनेस में क्या बात हुई है कि जैसे हम कुछ बात बोल रहे हैं तो उसमें व्याकरण का भी हम ध्यान रखें. ठीक है, हमारा जो मैसेज है वो बहुत करेक्ट होना चाहिए, लैंग्वेज से रिलेट करके भी, और जैसे इन्होंने आंकड़ों की भी इसमें बात की है. तो जो भी मैसेज हम देना चाहते हैं वो साफ सुथरा करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो ये 7 C's हुए. आज मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है, मेरे मुंह में छाले हो गए, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ ज्यादा. ठीक है, तो आज हम थोड़ा जल्दी ही करेंगे खत्म. 4 S और एक बार देख लेते हैं. जैसे फर्स्ट है शॉर्टनेस. तो शॉर्टनेस क्या है कि जैसे इसमें हमने बात की है कंसाइसनेस की, तो शॉर्टनेस भी इससे ही रिलेटेड है. संक्षिप्तता, मतलब हमारा जो मैसेज है वो शॉर्ट एंड सिंपल, जितना शॉर्ट और सिंपल हमारा मैसेज होगा वो उतनी जल्दी हमें समझ आएगा, और वो उतनी जल्दी वो उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा. ठीक है, तो ये होता है शॉर्टनेस. ठीक है, इसको आप लोग लिख लेना या फिर ऐसे भी समझ आ जाएगा, इससे रिलेट करना इसको, कंसाइसनेस और शॉर्टनेस. ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ को हमें किससे, कंक्रीटनेस, जो स्थूलता जो मैंने बोली थी उससे हमें इसको रिलेट करना है. स्ट्रेंथ मतलब वही कि हमें जो हमारी बात होनी चाहिए कि वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सके, है ना. मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, अब मैं कुछ भी बोल रही हूँ, अब हम 4-5 लोग हैं यहाँ पे, मैं भी बोल रही हूँ, आप भी बोल रहे हो, कोई और भी बोल रहे हैं, लेकिन जो एक एक बंदा है वो बहुत एक सटीक बात बोल रहा है, कोई डेटाज लेके बोल रहा है कि ये है ये डेटा, इससे रिलेट करके ऐसे बोल रहा है, तो वो हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी. कोई एक रिसर्च, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई रिसर्च के थ्रू हमें बोल रहा है कि मैंने कुछ रिसर्चेस पढ़ी है और उनमें
ऐसा दिखाया गया है ना, उनमें योगा को योगा से ओबेसिटी कम होती है ऐसा दिखाया गया, ऐसा सब बोलते हैं। लेकिन हमने कुछ रिसर्च बेस्ड उनको बता दिया, कुछ रिसर्च पेपर्स का जो लिंक है या कुछ वो डाल दिया उसमें, ठीक है, तो वो ज्यादा स्ट्रेंथ, मतलब ज्यादा हमारी जो बात होगी वो ज्यादा कंक्रीट होगी, ज्यादा मजबूत बात होगी हमारी वो, ठीक है। तो ये हुआ स्ट्रेंथ। उसके बाद है सिंप्लिसिटी, मतलब जो हमारी बातें हैं उनको हम इसको भी कंसाइसनेस या क्लैरिटी, इन दोनों से ही रिलेट कर सकते हैं कि हमारी बातें जो है वो सिंपल होनी चाहिए, सीधी सादी साधारण, और सामने वाले को समझ में आनी चाहिए हमारा मैसेज, ठीक है। तो ये होता है सिंप्लिसिटी, ठीक है। उसके बाद है सिंसेरिटी। सिंसेरिटी को हम शिष्टाचार, मतलब कर्टसी से भी जोड़ सकते हैं कि हम किसी के किसी को किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, मतलब मैं जैसे मैं आप अपने बड़े से कैसे बात कर रही हूँ, अपने छोटों से कैसे बात कर रही हूँ, या फिर मैं अपने साथ वालों से कैसे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो सिंसेरिटी होता है, मतलब हमारी कम्युनिकेशन में ये होना चाहिए, या फिर कम्युनिकेशन में सिंसेरिटी हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मैं आपकी बात को कितने ध्यान से सुन रही हूँ, है ना, और आप मेरी बात को कितने ध्यान से सुन रहे हो। जैसे कि बहुत से लोग क्या होते हैं कि वो गुड लिसनर नहीं होते, है ना, वो अपनी बात तो उन्होंने बोल दी, उसके बाद जो सामने वाला बोल रहा है उसको वो नहीं सुनते, मतलब वो सुन ही नहीं पाते, वो बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे या फिर वो अपनी ही बात पे जिद करके रहेंगे। तो ये जो है ये सिंसेरिटी नहीं है, मतलब हमें अपनी कम्युनिकेशन में एक वो लाना है कि हम भी सामने वाले की सुने और सामने वाला भी हमारी सुने, ठीक है। तो ये हुआ सिंसेरिटी, ठीक है। तो ये 4S और हमारे 7C मैं बस सिंपलिसिटी बता दीजिए, एक्चुअली मैं नहीं पाई थी सिंपलिसिटी। हाँ जी, सिंपलिसिटी होता है मतलब हमारा जो मैसेज है वो कितना सीधा साधा, जैसे करेक्टनेस से भी हम इसको जोड़ सकते हैं, क्लैरिटी से भी हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे, मतलब जो आपका मैसेज होना चाहिए वो एकदम करेक्ट, साफ सुथरा, स्पष्ट होना चाहिए, सीधा साधा होना चाहिए। जैसे मैं, आपने मुझसे पूछा कि मैम मुझे सिंप्लिसिटी बता दो, मैं सीधा आपको सिंप्लिसिटी ही बताऊं, है ना, नहीं तो मैं ऐसे घुमा फिर आके बता सकती हूँ, हाँ 4S है, उनमें से 4 है, उनमें से 4 में से 1 सिंप्लिसिटी, वो आपको पता है। लेकिन आपने पूछा मेरे से सिंप्लिसिटी और मैं सीधा आपको सिंप्लिसिटी बता दूं, ठीक है। तो ये होता है, ऐसे भी कह सकते हैं ना, जैसे कि कोई बहुत बड़ी बात को बहुत साधारण शब्दों में समझा दिया गया। हाँ ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे हम कोई बहुत बड़ी सी चीज को पढ़ने जा रहे हैं, क्या होता है, अच्छा मैं स्क्रीन ऑफ कर देती हूँ। हाँ जी, तो क्या होता है जैसे हम टीचर से पढ़ते हैं एक बात, ठीक है, हमने पूरी क्लास ली टीचर से, उसके बाद टीचर से हमने सुन लिया, हमें कुछ समझ नहीं आया, वो हमारे पूरे ऊपर को गया, ठीक है। अब उसके बाद बात आएगी हमारे पढ़ने की, तो हमें पढ़ना है, हमें अब हम क्या करेंगे, अपने फ्रेंड से पढ़ेंगे, तो वो जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हमें इतनी जल्दी उसको समझा देंगे। आप भी कभी ये करना, करके देखना, या करा भी होगा आप लोगों ने, जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं आपको समझा रही हूँ बार बार लेकिन आपको नहीं आ रहा समझ में, ऐसा होता भी हमारी क्लास में बीच बीच में, है ना, तो आप में से किसी ने समझाया तो वो बहुत जल्दी समझ आ जाता है, क्योंकि आप वो एक सिंपल वे में उसको समझा देते हो, है ना। तो एक बहुत बड़ी सी चीज को छोटा सा करके एकदम समझाने वाले तरीके में आपको समझ आ गया, समझा दिया गया, ठीक है। तो ये होता है सिंप्लिसिटी। आपको ये 7C और 4S समझ में आए? ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़े, आज छोटी सी क्लास करते हैं, मुझे मैं बोल नहीं पा रही हूँ आज ढंग से, ठीक है। आप लोगों को और, हाँ जी ठीक है मैम, आप रेस्ट कीजिए, टेक केयर, ये ठीक है, हाँ जी मैम, हाँ जी, ओके। और कुछ आपको इसमें से, अच्छा एक बार मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ,
मैम आप टेस्ट कब लोगे इसका? टेस्ट लेते हैं, बताओ कब दोगे? अभी मंडे को तो मत लेना, क्योंकि मंडे तक तो अभी थोड़ा सा बाकी चीजें नीट करनी है, करी नहीं है मैंने, रफ बहुत रफ कर रखा है. सो आई जस्ट वांटेड टू प्रिपेयर बिफोर योर एनी टेस्ट, मतलब और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी नीट प्रॉपरली नहीं हुआ है ना, इसलिए तो मैं हाँ वो जी, चाह रही थी कि आप, लेकिन आप टेस्ट ले लें नेक्स्ट वीक, कभी भी ले लें, बस मंडे को ना ले. ठीक है ठीक है, अभी मैं टेस्ट के बारे में देखती हूँ, अभी नहीं लूंगी वैसे। मैं आप लोगों को एक बार कल का थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फिर आप लोग उसमें थोड़ा सा पढ़ के आना, फिर हम उसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में 5 पॉइंट्स है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर और मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, जो हमारे मैसेज के आने जाने में जो बीच में बाधाएं बनती है, जो बैरियर्स बनते हैं वो होते हैं। ठीक है, और ये 5 तरह के हैं इनके, जो ऑर्गेनाइजेशनल, फिजिकल, ये सब। तो मैं आपको कल इसकी स्लाइड्स आज शाम को भेज दूंगी, उसके बाद आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ के आना। ठीक है, हाँ ओके मैम, जी, मैम चलिए। कल की क्लास है तो आप कल का वो पीडीएफ भेजेंगे क्या? हाँ कल जो भेजा था मैंने, सर, मैम कर दिया क्या साइन? मुझे दिखा नहीं है एक्चुअली, दो ग्रुप बन गया है तो प्रोविजनल ग्रुप में नहीं आया. जो मैंने लास्ट टाइम भेजा था ना, उसमें वो पूरा टोटल है उसमें। आज ओके आज मैं आपको भेज देती हूँ, आज मैं भेज दूंगी आप लोग को। ठीक है, अभी भेज देती हूँ मैं। मैम, जो पहले का है उसमें बैरियर वाला नहीं है. अच्छा हाँ, मैं बैरियर्स वाला आज भेज दूंगी अभी। ठीक है, हरिओम। एक बार प्रेयर कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। देव शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को। ठीक है, कल करते हैं। ठीक है मैम, नमस्ते. जी, थैंक यू।